अजीब खेल है, इसे खेलते खेलते किसी को प्यार हो जाता है तो कोई कातिल बन बैठता है। सीमा को इसी पबजी गेम के जरिए सचिन से प्यार हुआ था, लेकिन झांसी के एक बेटे ने इसी पबजी गेम के चलते अपने ही माँ बाप का कत्ल कर दिया। उसने पिछले 6 महीने से खुद को कमरे में बंद कर रखा था। वो दिन रात अपने मोबाइल पर गेम खेलता रहता। धीरे धीरे ये गेम उसके दिलो दिमाग पर ऐसा हावी हुआ कि दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया। अब वो बहकी बहकी बातें करने लगा, उसे अपना होश ही नहीं रहा। बेटे की हालत देखकर माता पिता उसे रोकने टोकने लगे, लेकिन फिर एक रोज ऐसा हुआ जो कोई सोच भी नहीं सकता था। पबजी मोबाइल गेम के एडिक्ट हो चुके बेटे ने रोटी बनाने वाले तवे से मार कर अपने बुजुर्ग माता पिता दोनों की जान ले ली, और कत्ल के बाद नहा धोकर आराम से घर में ही बैठा रहा। रोंगटे खड़े करने वाली ये वारदात झांसी की है, जहां शनिवार को एक घर से एक साथ दो दो लाशें उठी, और इन मौतों का जिम्मेदार भी कोई और नहीं बल्कि उसी घर का इकलौता बेटा था। माँ बाप के कत्ल के पीछे की इस दहलाने वाली कहानी से पर्दा भी किसी गैर ने नहीं बल्कि खुद घर की बेटियों ने उठाया, जिन्हें अपने भाई की दिमागी हालत का पता था। शनिवार को घर की बेटी नीलम ने अपने पिता लक्ष्मी प्रसाद को फोन किया, लेकिन जब उनका फोन नहीं उठा तो उसने अपने पड़ोसी को फोन किया। पड़ोसी ने देखा घर का दरवाजा खुला है। अंदर जाने पर पता चला कि लक्ष्मी प्रसाद पर हमला हुआ है और उनकी जान जा चुकी है, जबकि उनकी पत्नी विमला कराह रही है। इसके बाद विमला को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। लोगों ने देखा कि उनका बेटा अंकित बड़े आराम से पिता की लाश के पास बैठा हुआ है, जबकि मां जख्मी हालत में छटपटा रही है। हालांकि ये पबजी की वजह से हुआ हत्या का कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई ऐसी वारदात सामने आ चुकी है। पिछले साल लखनऊ में भी 16 साल के एक बेटे ने घर में रखी पिस्टल से गोली मारकर अपनी मां की जान ले ली थी। इल्जाम था कि बेटे को पबजी खेलने से रोकने पर उसने अपनी मां की हत्या कर ली। लखनऊ में पबजी खेलने से रोकने पर 16 साल के बेटे का अपनी मां की हत्या करने वाले मामले की तरह रायगढ़ में भी 22 अप्रैल 2022 को 19 साल के दुर्गा प्रसाद नाम के एक शख्स ने इसलिए फांसी लगाकर जान दे दी क्योंकि उसके घर वाले उसे पबजी खेलने से रोकते थे। इससे पहले 2021 में महाराष्ट्र के जामनेर में नम्रता खोड़के ने पबजी के लिए ही खुदकुशी की थी। 2020 में मथुरा के रहने वाले पीयूष शर्मा ने भी पबजी खेलने से रोकने पर जान दे दी थी, और 2019 में हैदराबाद के एक लड़के ने पबजी के लिए ही सुसाइड कर लिया था। असल में पबजी एक हिंसक गेम है जिसमें खेलने वाला लगातार फायरिंग करता रहता है, दुश्मनों की जान लेता है, और इसका नशा किसी भी दूसरे ड्रग्स के मुकाबले ज्यादा खतरनाक होता है। जानकारों की माने तो बच्चों को ऐसे गेम खेलने से पहले ही रोक देना चाहिए, और अगर कहीं वो ऐसे किसी गेम की लत का शिकार बन गए तो फिर उनके साथ जोर जबरदस्ती करने की जगह उनकी काउंसिलिंग करवानी चाहिए ताकि उन्हें सही रास्ते पर लाया जा सके, वरना मामला बिगड़ने का खतरा रहता है। अमित श्रीवास्तव, झांसी, आज तक।